पूर्व सांसद साधु यादव ने अपने भांजे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक बार फिर हमला किए हैं। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि ये बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको पहचान चुकी है। बेरोजगारी यात्रा को उन्होंने ड्रामा करार दे दिया है। उन्होंने भी कह दिया है कि बिहार के सीएम के रूप में तेजस्वी की कभी ताजपोशी नहीं होगी। यहाँ किसी सीएम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना है, यह बिहार का इतिहास है। इसके साथ ही पूर्व सांसद ने सीएम नीतीश कुमार की सराहना भी की है, कहा कि जितना काम करना चाहिए था वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बता दें कि साधु यादव ने कहा है कि अफसरों पर दबाव बनाते हैं कि सरकार बनाएंगे, लेकिन इन लोगों में क्षमता और बुद्धि कहाँ है कि ये सरकार बनाएंगे। तो बता दें कि दुःस्वप्न देख रहे हैं, इन लोगों में दम कहाँ है, क्षमता से न सरकार बनती है। कांग्रेस भी इनसे अलग है। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा के जवाब में नेता प्रतिपक्ष बेरोजगारी यात्रा निकालने वाले हैं। इस बाबत एक पोर्टल से बात करते हुए साधु यादव ने अपने भांजे पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये बेकार लोग हैं, बेरोजगार यात्रा की जो बात करते हैं, क्या ये वो रोजगार बांटेंगे, पीछे पीछे रोजगार लेकर जाएंगे क्या, इनकी बातें ही बेबुनियाद है, ऐसे लोगों से काम चलने वाला नहीं है। रोजगार तो सरकार बांटती है ना, ये लोग कहाँ से बांटेंगे। इस क्रम में उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये लोग शक्ति विहीन हो चुके हैं, झूठ मूठ का नौटंकी कर रहे हैं। इस यात्रा के बहाने ये लोग पूरे बिहार के जमीन का कब्जा करेंगे और कुछ नहीं। तो बता दें कि पूर्व सांसद ने इस क्रम में सीएम नीतीश कुमार की सराहना भी कर दी है, कहा कि सरकार तो मजबूती से चल रही है। मालूम हो कि तेजस्वी की रेचल से हुई शादी के बाद से ही साधु यादव जो हैं, तेजस्वी यादव के मामा जो है साधु यादव, काफी नाराज है। शादी के बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत लालू परिवार के तमाम लोगों पर विवादास्पद बयान दे दिया था। कहा था कि उन लोगों से इनका कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव और बहन रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाला था। दोनों ओर से शब्दों के खूब तीर चले थे। हालांकि समय के साथ मामला जो है वो शांत हो गया, लेकिन एक बार फिर साधु यादव के बयान से सियासत गर्मा गई है। साथ ही साधु यादव का सीएम नीतीश कुमार के प्रति दिख रहा स्पॉट कॉर्नर की भी भविष्य में राजनीति को लेकर चर्चा का दौर भी शुरू करेंगे।